हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्राई फॉर न्यू। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको एक साल का गूगल क्लाउड एक मिलने वाला है न्यू कंप्यूटर और हाईएस्ट कंप्यूटर, तो आप वो कैसे बाय वो फ्री में कैसे कर सकते हैं और बिना क्रेडिट कार्ड वर्चुअल क्रेडिट कार्ड से, और आगे आगे के प्रोसेस देखते जाए कि कैसे कैसे करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल क्लाउड VPS RDP। तो आपके पास एक ये पेज खिलेगा, तो आपको एक सबसे पहले में एक लिंक मिलेगा ऐड पे जो $300 ट्राई फॉर गूगल क्लाउड मिलेगा। तो आपको इसे क्लिक करना है, न्यू से बनाना ताकि कोई न्यू आईडी रहे। तो आपका पेज ऐसा खुल जाएगा, प्लीज़ इसे ऐसे करके 3 आइकन्स पे क्लिक करके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट जरूर कर लेना। तो आपको ये दोनों ऑप्शन यस और यस कर दे रहे हैं और एग्री टू कंटिन्यू कर देना है। थोड़ा टाइम लेता है एग्री टू कंटिन्यू होने में। और अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पर। इसमें आपको दिखा रखा है कि कैसे कैसे वर्क करता है। $300 फ्री क्रेडिट मिलेगा 12 मंथ्स के लास्ट, और नो ऑटो चार्ज। अगर आप अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो ऑटो चार्ज नहीं होगा इस पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आ चुका है तो आपको ये सारा भर देना है। अगर आप ये पेटीएम पेमेंट मेथड ज़रूर मांगेगा, तो आपको क्या करना है, एक यांडेक्स मनी के नाम से एक वो है, तो उसमें आपको फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नीचे वीडियो दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया गया है उसका यांडेक्स का वो कैसे कैसे बनाया गया है। तो इसमें आपको उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर देनी है और ये सारा ये कर देना है, पूरा भर देना है। तो आपका बिजनेस की जगह बिजनेस ही रखना है, और नीचे इसे ऊपर वाले को बदलना है हमें, इसे हमें इंडिविजुअल ये कर देना है। और सर्विस टैक्स में आपको अनरजिस्टर्ड कर देना है। तो ये कुछ भी नहीं मांगेगा, ये अपना स्टेट एड्रेस फ़ोन नंबर और पूरा असली असली देना। तो आपका ये होने के बाद आपका कुछ ऐसे खुल जाएगा। कौन गया? तो फ्रेंड्स, जैसे ये होने के बाद आपका मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सक्सेसफुली बन जाता होगा तो आपका कुछ ऐसा तरीके का पेज खुलेगा जो अभी खुल रहा है मेरा भी। तो ये जब खुल जाएगा तो आपका मैं बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो इसे रहन दीजिए, आप ये 3 आइकन्स है इस पर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आ गया पूरा मेन्यू। तो आपको अगर अपना वो बनानी है, कोई वेबसाइट पे करना है, तो वेबसाइट के लिए अलग है, मगर मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ एक कंप्यूटर। तो आपको ये लिखा है कंप्यूट इंजन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये खुल जाएगा एक पेज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये देख रहे हो आप, खुल रहा है ये। तो मैंने एक ऑलरेडी बना रही है, मगर एक आप भी बना लीजिए। अभी मैं बताता हूँ ये आपको कैसे बनानी है ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, क्रिएट एन एक्सटेंशन पे करना है क्लिक। ये थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि खुल रहा है इस टाइम अभी, तो ये खुल चुका है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने इस टाइम जो आपका कंप्यूटर का नेम होगा, जो अपना पर्सनल कंप्यूटर का सर्वर जो होगा, वो आपको नाम रखना है। और फिर बाद में आपके जो बहुत ही करीबी एक इसका सेंटर हो वो रख लेना है। जैसे मेरा इंडिया में है तो ये मुंबई आ रहा है, तो मैं मुंबई कर लेता हूँ इसे। इस जोन आपको कौन सा रखना है वो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना, क्योंकि मुंबई से कनेक्ट है। अब आपका आता है प्रोसेसर, जैसे ये GPU 1 GPU है। अगर आप हाईएस्ट रखते हो तो जैसे मैं 8 CPU का रखता हूँ, तो ये देखिए आप कितना ज़्यादा बैठ रहा है। तो ये मैं अगर इसे 1 पे ही रखता हूँ तो ये $29 आ रहा है बस केवल। और आज देख रहे थे 250 डॉलर के करीब आ रहा था।
फिर आता है आपका कौन से आप विंडो में बनाते हैं, किस में बनाते हैं, और हाँ इसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे आपको करना हो तो, कि आपको GPU ज़्यादा चाहिए या फिर मैं वो रैम ज़्यादा चाहिए। ये मेमोरी का मतलब, एक्सटेंडेड मेमोरी का मतलब है रैम। तो आपको क्या करना है, ये जैसे आप कर सकें वो कर लीजिए। तो आपको फिर बाद में मिलेगा नीचे बुक डिस्क, बूट डिस्क, मतलब आपको कौन सी वो चाहिए। तो अगर आप मैक के ला मैक जैसे के लाग बना रहे हैं एप्पल वाले की तरह, या फिर विंडो के टाइप बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे एक पेज पॉपअप खुलेगा। तो ये लोडिंग टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड जैसे ही खुल गया, तो मैं जैसे कि विंडो का लेटेस्ट वर्जन करता हूँ, तो विंडो सर्वर 2016 करता हूँ मैं क्लिक। ये कहाँ क्लिक हो रहा है, हाँ ये हो गया यहाँ पर। और ये आपको पूछा है कि आपको कितनी साइज चाहिए, तो मैं जैसे हमें 500 के लाख चाहिए, जैसे हम GTA VT डाउनलोड करते हैं उसमें, तो हम 500 कर लेते हैं इसे। आपकी जरूर आपको करनी हो कर लेना, मैं ऐसे जान देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे करने क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी एक्सटेंशन बन जाएगी, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे मैं नई बना रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, आप केवल एक ही बनाएं फ्री ट्रायल में, क्योंकि एक से ज़्यादा बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो मेरी एक बनी हुई है, तो आपको ये एक्टिवेट कैसे करनी है, तो ये एक्टिवेट जब ये टिक लग जाता है हरा टिक, तो ये एक्टिवेट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये आप ना अगर गूगल की RDP डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपको क्या करना है, सेट विंडो पासवर्ड पे जाके अपना विंडो पासवर्ड सेव करना है। तो आपको जैसे ये कुछ भी रख लेनी है, और फिर इसके बाद आएगा एक पासवर्ड, आपको उस पासवर्ड को कॉपी करके वहीं डाल देना है। जैसे ये दोनों आ गए, आपका यूज़र नेम और ये रही आपकी IP एड्रेस। इसे करने के बाद कॉपी, तो आपको ओपन कर लेना है जो RD क्लाइंट है, जो आपको गूगल पे मिल जाएगा रिमोट डेस्कटॉप साइट पे। तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्लस के बटन पे डेस्कटॉप पे जाके आपको होस्ट ID जो उनसे वो ID कॉपी करी थी वो वहाँ पर डाल देनी है। ऐड अकाउंट, ऐड यूज़र अकाउंट में आपको यूज़र नेम डालना है, जो वहाँ पर यूज़र नेम। और सेट करने के बाद आपको एक पासवर्ड मिला था, वो पासवर्ड वहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर कैंसिल, फिर सेव करके, फिर आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। फिर आपको उस पर टैप करना है, वहाँ पर कनेक्शन टू ऐसा आ रहा लिखा हुआ, या आपको देखिए कंप्यूटर चल चुका है। या फिर आपको एक सेटिंग करनी है यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके, डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको एक सेटिंग करनी है। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको पास जाना है सर्वर मैनेजर में। जब सर्वर मैनेजर ओपन होएगा, अभी मैं दिखाता हूँ जब सर्वर मैनेजर ओपन होएगा, तो जैसे कि लोडिंग हो रही है, ये जैसे कि खुल चुका है, तो आपको क्या करना है, लोकल सर्वर में जाना है। लोकल सर्वर में जाने के बाद ये जो अनलोन आ रहे हैं यहाँ पर, अभी ये अभी पूरी सर्च कर रहा है पहले, फिर आपको दिखाएगा। जैसे ये अब ये अनलोन दो तीन, इसे रियल टाइम प्रोटेक्शन है, इसे आप ये जो ऑन हो रही है इसे आपको ऑफ कर देनी है। ना से ऑफ हो गई, अब इसे बैक कर देना है ना से। अब आपको क्या करना है, ये जो है IXChain सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इस पर यहाँ पर आपका ऑन होगा, यहाँ पर आपको दोनों ऑफ ऑफ कर देना है और ओके कर देना है, और फिर बैक हो जाना है। अब आप कुछ भी डाउनलोड कीजिए, ये रहा ब्राउज़र,
वहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।